हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपनी बात करें रीट भर्ती 2018 के विद्यार्थी जो घबरा रहे हैं कि क्या हमारा जो रिसपल में क्या होगा। साथियों, आपको पूरी डिटेल से मैं आपको बता देता हूं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपने चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो और रीट भर्ती की हर एक अपडेट पाना चाहते हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रीट से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको अपने चैनल पर मिलती रहेगी। तो साथियों, काफ़ी विद्यार्थी बोल रहे थे कि रिसपल होगा तो इसमें हमारा क्या होगा, कि हमारे को मौका मिलेगा, या जिन विद्यार्थियों का जो जिला आवंटन हो गया, कई विद्यार्थी वेट कर रहे हैं उसको लेकर। साथियों, आपका को कुछ नहीं होगा। आप सभी को बता दें, आप नो टेंशन होकर रहिएगा कि जनरल कैटेगरी वालों को सबसे ज्यादा थोड़ा वो विद्यार्थी सोच रहे थे कि हमें क्या हमारे इधर उधर ना हो जाए। कुछ नहीं होगा साथियों, तो जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी लगभग 900 लेवल वन में लगभग 900 कैंडिडेट्स है, उसमें जनरल कैटेगरी के 538 विद्यार्थी इसमें ओबीसी वाले शामिल हो रहे हैं। इसलिए साथियों, जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उसमें उत्सुकता बढ़ रही है कि क्या हमारी जो वैकेंसी है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। साथियों, और बिल्कुल सही निर्णय लेगा जिन विद्यार्थियों ने जो आपकी जो नाम लिस्ट में आ गया और अब आपका कुछ नहीं, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का घबराने की टेंशन नहीं है। जब आपकी 15 तारीख को जब सुनवाई होगी तो आपको सबसे पहले अपने चैनल पर पूरी डिटेल से आपको बता दीजिएगा कि क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं। तो साथियों, भी आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन रिसपल होने दो। जब भी आपकी कोई अपडेट होगी रिसपल रिजल्ट को लेकर के तो आपको सबसे पहले अपने चैनल पर बता दी जाएगी। साथियों, रिसपल रिजल्ट तो आना है क्योंकि साथियों जो रीट पहले वेटिंग लिस्ट आई थी और रिस पर रिजल्ट भी निकाला गया था, इसी आधार पर साथियों अब जो वेटिंग लिस्ट है उसका रिस पर एक रिजल्ट जरूर निकलेगा। तो इसमें आपको जो भी फायदा होगा तो आपको सबसे पहले अपने चैनल पर जो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो नो टेंशन होकर रहिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा कौन सी कैटेगरी, SC ST और OBC कैटेगरी वालों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कोई भी अगर आपकी वेटिंग लिस्ट से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले अपने चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी। अगर आप रीट जो 2021 की वैकेंसी की तैयारी में लगे रहिएगा क्योंकि साथियों ये मौका, अगर आपको रीट 2018 की जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट के इंतजार कर रहे हैं बाकी, तो उनसे मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहते हूँ, आप उसके लफड़े में मत आइएगा। एक बार जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसकी तैयारी में लगे रहिएगा क्योंकि साथियों ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। जो 31,000 पदों पे वैकेंसी आ रही है तो ये बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। जो 25 अप्रैल को एग्जाम होने जा रहा है, एग्जाम भी पोस्टपोन नहीं होगा साथियों क्योंकि ये 25 अप्रैल जो शिक्षा मंत्री जी ने फिक्स कर दिया कि 25 अप्रैल को ही एग्जाम होगा, इससे आगे नहीं किया जाएगा। तो आप इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन की तैयारी में रहिए। अगर आपको 2018 की वैकेंसी में नहीं मौका मिलेगा तो आगे आने वाली 2021 की ये वैकेंसी है, सब बहुत बड़ी वैकेंसी है एक समान, तो इसका आपको पूरी डिटेल से आप इसकी तैयारी में लगे रहिएगा और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए। जब भी आपके रिसपल रिजल्ट की कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले अपने चैनल पर मिलती रहेगी। और साथ ही दोस्तों, अपने जिस चैनल पे एक आपसे छोटी सी गुजारिश करना, पहले आप अपने चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोलिएगा, इसमें राजस्थान जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं तो उनको भी एक बार जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकेगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान की विभिन्न वैकेंसियों में पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आगे नेक्स्ट कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी भी आने वाली है, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। आप सभी को बता दें कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी भी जल्द जारी। जिन्होंने कंप्यूटर का डिप्लोमा ले रखा है और कंप्यूटर की अगर किसी भी प्रकार की आपने तैयारी कर रहे हो तो साथियों लगभग 14,000 पदों पर, 14,600 कुछ पदों पर वैकेंसी आने की पूरी पूरी उम्मीद है क्योंकि साथियों मैंने इसका वीडियो डाल दिया गया है और जो बिल्कुल सरस्टिक न्यूज दिया है इसमें, क्योंकि साथियों अपने चैनल पर बिल्कुल जो न्यूज़ पेपर के आधार पर अपडेट आती है वो ही न्यूज़ डाली जाती है, इससे अदर अपने कोई भी न्यूज़ नहीं डाली जाती है। तो साथियों, आने वाले जो आज हाईकोर्ट में रीट भर्ती को लेकर के 2021 की सुनवाई भी की गई थी लेकिन साथियों उसमें आज हाईकोर्ट में बैठक नहीं की गई, तो इसकी जो डेट भी आने वाली आगे नेक्स्ट दिनों में, तो साथियों कभी भी आएगा और जो आगे की सुनवाई होगी तो आपको सबसे पहले अपने चैनल पर बता दीजिएगी क्योंकि साथियों अपने चैनल जो है अपना रीट का जो पूरा प्रिपरेशन यानी पूरा कवर करता है, कोई भी न्यूज हो तो अपने चैनल पर सबसे पहले डाल जाती है। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। हमारी टीम आपके लिए हर एनी टाइम आपके साथ है। अगर आपको रीट से वेटिंग लिस्ट से संबंधित और आगे की कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले अपने चैनल पर बता दी जाएगी। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बने बेल आइकन को भी दबा के आल पे क्लिक कर लेना ताकि आपको रीट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको अपने चैनल पर पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू। ओके, बाय।